वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो आज है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट व्लॉग। तो अभी आज मैंने व्लॉग ना थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, तो अभी आई थिंक दोपहर 2 बज रहे हैं आई गेस। तो सुबह जल्दी नाश्ता कर लिया था सुबह, तो अम्मी अबू भी घर नहीं है। तो सच्ची बताऊँ तो अभी मुझे दिन का खाना बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। अभी कैफ में बशर आके मुझे, कैफ तो खैर अभी यहीं पर लेटा हुआ है, तो यहाँ के मुझे बोलेंगे खाना बनाओ। तो इससे पहले मैं बशर को जाके बोलती हूँ कि तुम खाना बनाओ अच्छा, बिकॉज वो खाना अच्छा बना, लाइक बिरयानी होगी, चावल, ये पुलाव होता है या चिकन कढ़ाई, तो अच्छी बना लेता है। पहले मैं कैफ से पूछती हूँ कि क्या बनवाए, फिर बनवाते हैं। ओए कैफ, कैफ बात सुन, बशीर से ये चिकन कढ़ाई बनवाएं या चिकन बिरयानी? चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई बनाएं। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, उससे पहले हम लोग जाएंगे बशीर की तरफ। उस पता नहीं, पहले देखना पड़ेगा वो किधर है, ठीक है? पहले हम उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है? उससे पहले तुम ना कैमरा छुपा के रखना, मैं बोलूँगी बशीर कढ़ाई बना के दो ना, तो उसको नहीं पता होगा कि व्लॉग ऑन है। तो वो ना उसका तब वाला रिएक्शन देखते हैं व्लॉग ऑन करके, फिर मैं जाके बोलूँगी कि कढ़ाई कैसी, मतलब कढ़ाई बनानी है तुमने, कैसे बनाओगे, तो वो वाला उसका रिएक्शन देखते हैं, ठीक है? डन डन हो गया, तो फिर करते हैं उसके साथ। चलो उठो, अभी सोया हुआ है, मैं आहिस्ता बोल रही हूँ, आवाज़ आ रही होगी शायद, तो अभी वो सोया हुआ है, कैमरा पकड़ेगा। मैं चाहती हूँ अच्छी बनाते हो ना तुम यार, खुद बना लो, ऐसे नहीं बनता, मुझे नहीं आती बनानी। अच्छा जी, तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन कढ़ाई। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मुबशर हमारे घर का बहुत अच्छा शेफ है। ओए मुबशर उठो, उठ जाओ, चिकन कढ़ाई बना के देनी है। नहीं बनती यार, इधर देखो तो सही। अच्छा मैं बना देता हूँ, उठता हूँ मैं। है, बना के दोगे? बना देता हूँ, चलो। ये देख रहे, ये व्लॉग जैसे ही ऑन हुआ इसका रिएक्शन देखा क्या? ऑन द कैमरा और ऑन द कैमरा और ऑफ द कैमरा, इसका रिएक्शन देख ले आप। उठो उठो ना, ये ना ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहा है। उठ जा जी। तो मुबशर भी किचन में गया है, हमारा शेफ आज का। देखते हैं ये साथ में इसकी ईना और मीना भी इसके साथ। मेहरबानी करना, आज किचन में गंद नहीं डालना। अम्मी शोर डालेंगी, मुझे भी साथ में शोर डालेंगी। कुछ नहीं होता, आज सफाई आप करोगी सारी। ये देखो, अच्छा ये सिंक में कौन रखी कि प्याज छील रहा है? प्रोफेशनल कुक। तुम्हें कुछ आता भी है या सिर्फ गंद डालने के लिए इसके साथ हो? शेफ होता है, कुक होता है शेफ। अच्छा जल्दी करो, फिर देखते हैं साथ में, मैं आपको दिखाती चलती हूँ, ठीक है? तो देखो, कड़वा प्याज है। हमें इन गाँव में लगा खुद किधर चली गई है, चलो देखते हैं इसको ये गई किधर। आयशा तुम ये क्या कर रही हो, हमें उधर लगा के ये लेता पोती क्या कर रही हो? नो जी, ये क्या कर रही है, हमें खाने में लगा के खुद ते अपना सब कुछ सही कर रही है, देख लो। कोई हाल नहीं है तुम्हारा, ये क्या कर रही हो तुम इधर? यार कुछ नहीं कह रही थी, प्लीज यार चले जाओ। देख लिया है ना, घर के काम नहीं करती ये। मैं करती हूँ, झूठ बोल रहा है, इसको एक थप्पड़ लगना चाहिए। झूठे नजर आ रहा है ये, अभी आपको नजर आ गया इसके घर के काम। बस ऐसे ही लगाने लगी थी ना पागल, ये ऐसे ही बस ऐसे ही बस ऐसे। अच्छा चलो मैं आ रही हूँ, बंद करो, नहीं लगा रही बस। आयशा इधर आओ, ये चिकन निकालो इधर से, ये तो काम कर सकती हो ना तुम, या ये भी नहीं कर सकती? पूरा हो जाएगा, हाँ तीन बंदों के लिए हो जाएगा। भाई भी है ना, तुम नहीं ना खाओगी? वो हो सकता है नमाज पढ़ के चला जाए। हाँ ठीक है, हम तीनों के लिए, ये हमारे शेफ साहब। ओए चिल्ला क्यों रही हो, ओए पहले क्या अदरक लहसुन डाला है? ये देखो इसको, जल्दी कर। ये तो आज हमें जला हुआ खाना था, सारा जला नहीं है ये, अच्छा मैंने कुक किया है। इंग्लिश मैन,
अब तुम इधर से गई ना तो तुम देखना इधर ही खड़ी रहो। तो अभी मैं यहाँ पे आपको किचन में बर्तनों की आवाज आ रही होगी, जहाँ पे ऐसे बर्तन होंगे तो वहाँ पे बर्तनों की आवाज आएगी। तो अभी मैं यहाँ पे बैठ के इनकी निगरानी कर रही हूँ कि कैसा बना रहे हैं। बशीर हो गया, कितना हुआ है? ये सब कुछ इसको काट के दे रही है। तुम्हारा नाम क्या है? मीना है? इन है? हेलो रजिया। रजिया गुंडों में फंस गई। इसमें टमाटर डालने बस अब। ओह टमाटर डालने, ये पूरे पूरे क्यों डालोगे? कट करके डालो ना। कट करके नहीं, ऐसे सही है ऊपर से छिलका जो होता है वो हम थोड़ा सा ये होंगे और उससे स्पेशल तरीके से हम बना रहे हैं। जाओ तुम आज की कुकिंग का नया तरीका वो साथ में हम आपको दिखाते हैं। देखिए ना चिकन ब्राउन हो गया। ओह चिकन ब्राउन ब्राउन, अब सब कुछ डाल दे, निकाल दे, एक ही साथ डाल दो सब कुछ। चल जा मैं अभी रखता हूँ इसमें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। चूल्हा थोड़ा सा आस्त तक फिर चलो तुम करो फिर मैं आती हूँ थोड़ी देर तक। ओके ये देखिए जी आयशा इसके सर पे खड़ी हुई। आयशा देखना ये कहीं बिगाड़ ना दे काम को सारा। ये जो मैंने बताया था नए तरीके से बना रहा है, ये इसका नया तरीका है। कौन सा नया तरीका? ये इसका नया तरीका है जी, देखते जाएं। आपने ये तरीका अपने घरों में लाजमी फॉलो करना है। ये आप लोग मेरी कढ़ाई देखो ना, आज मैं ऐसी कढ़ाई तैयार करूंगा। खाली कढ़ाई तैयार करेगा ये लो, ये हो गए सारे डन। अब पता है इसको क्या करते हैं? इसको तोड़ना है ऐसे। और ये चिकन ना तोड़ देना। चिकन तोड़ा तो हड्डियां तोड़ देंगे हम तुम्हारी। बस इसको ऐसे रख के ना, तो इसको ना इसमें मैंने अभी एक चार गोश्त मसाला डालना है। अभी ने उसको भूनना भी है, डाल के कच्चा ना भूनना है पहले। अभी मैंने थोड़ा सा इसमें नमक मिर्च और वो रेड मिर्च जो होती है वो डालनी है, उसके बाद नमक डालना है, उसके बाद वो हल्दी थोड़ी सी डालनी है। मसाले में सब कुछ पड़ा ये ना हमारा पेट खराब करेगा। नहीं 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 नहीं, मसाले में पड़ा होता है थोड़ा थोड़ा, मैं खुद भी डाल दूंगा। बशीर मसाले में सब पड़ा हुआ है। ये आप लोग देखें, छोड़ो आप लोग बैठ जाओ। ये देखो यार, ये धड़ा मिर्च सौंफ और पता नहीं क्या क्या सब पड़ा हुआ है इसमें। चले जी आयशा रोटी बना रही है और ये इधर दम पे है, तो जब यह बन चुकेगा तो फिर आपको बताएंगे कैसा बना। आगे देख के रोटी बनाओ, हर वक्त तुम्हें इधर ही देखना होता है। A few moments later. तो हमने बना ली थी, ये तीनों तो खाने के लिए लग गए, रिव्यू भी नहीं दिया। हाँ जी बताएं कैसी बनी है फिर? जबरदस्त, शाबाश बशीर भाई, मजा आ गया। चले जी इनको कढ़ाई तो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारी वीडियो पे, बहुत सारा प्यार दिखाइए और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।